हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग बनाएंगे पूरन पोली। पूरन पोली के लिए लगने वाला है गुड़। 250 ग्राम से 300 ग्राम आप गुड़ ले लीजिए। ये हम लोग गुड़ ले रहे हैं। मेरे पास एक एक्स्ट्रा येलो कलर का आपको जो दिख रहा है वो गुड़ था, वो हम लोग सोच रहे थे ले ले या नहीं ले रहे, पर वो भी ले लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग लेंगे 3 कटोरी चने की दाल। ये आप 3 कटोरी चने की दाल ले लीजिए। हमारे पूरन के लिए ये सब लगने वाला है, तो आप ये सब रेडी कर लीजिए। आपको अभी ये जो दाल है उसको अच्छी तरह एक कुकर में लेकर धोना है। आप इसको अच्छी तरह धो लीजिए, साफ कर लीजिए। अभी हम लोग ये जो चने की दाल हम लोग धोएंगे, वो हम लोग धोने के बाद हम लोग इसमें 4 वाटी पानी डालेंगे। चार कटोरी हम लोग पानी डालेंगे इसमें। और ये हम लोग स्टोव पर रख देंगे, गैस पर रख देंगे। ये 2 से 3 सीटियों में होनी चाहिए दाल रेडी प्रेशर कुकर में। तब तक अभी हम लोग ये जो इसके लिए आटा लगने वाला है पूरन पोली के लिए, वो आटा हम लोग भून लेते हैं। उसके लिए एक बड़े से पतीले में ले लीजिए पानी, नमक, हलद और 3 बाटी मैदा। ये हम लोगों को मैदा है वो अच्छी तरह हम लोगों ये जो हम लोग इसको चालन बोलते हैं, चालन में हम लोग इसको साफ करते हैं। मतलब इसमें अगर कुछ पत्थर वत्थर हो तो ये अलग हो जाते हैं। चालन में हम लोग इसको भून लेते हैं। हम लोगों ने गेहूं का आटा भी 2 कटोरी लिया, वो भी हम लोगों ने अच्छी तरह भून लिया। अभी इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा तेल, और ये तेल हम लोग ये आटा जो है हम लोग रेडी कर रहे हैं उसमें वो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तेल और आटा अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखो इस तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। तेल और आटा अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम लोग भून लेते हैं आटे को। मराठी में हम उसको मलना बोलते हैं, पिटाला अपन मलून घेऊया।
अच्छी तरह से इसको मल लीजिए आप। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको इसको मल लेना है। देखो मैंने आपको इसमें इन डिटेल्स सब बताया, ये आपको आटा कैसे बनाना है, क्योंकि ये जो पूरनपोली का आटा है वो अलग तरह से आपको भूनना पड़ता है। जैसे आपकी जो पूरनपोली है ना वो बहुत ही सॉफ्ट और माउथ में जाकर मेल्ट हो जाती है। अच्छी तरह से इसको पूरी ताकत से इसको भून लीजिए, मल लीजिए। कर इसको अभी हम लोग तेल लगा रहे हैं। अभी ये टाइम पर आप आटे को तेल लगाइए और भून लीजिए। ये देखिए इस तरह से आप इसको आटे को भून लीजिए। आप अच्छी तरह इस आटे को भून लीजिए मस्त। ये हमारा आटा रेडी हो गया। अभी हम एक पतीले को अच्छी तरह से तेल लगाएंगे और ये आटा उसमें रख देंगे। इसको हम ढक कर रख देते हैं। ऊपर से भी आप थोड़ा तेल लगाइए इसको। अभी हम लोग इसमें सूंठ, जायफल और इलायची का पाउडर बनाएंगे। अभी ये देखिए हमारा दाल अच्छी तरह से पक गया है। ये हम लोग चेक कर रहे हैं बार बार, कंफर्म कर रहे हैं कि दाल अच्छी तरह पका है या नहीं। देखिए हम लोग ये दाल देख रहे हैं बार बार पकी है या नहीं, पर ये अच्छी तरह पक गई है।
अब ये दाल को हम लोग एक पैन में शिफ्ट करेंगे और इसका पूरा पानी अलग कर देंगे, जाली से, जाली में इससे पूरा पानी इसका अलग कर रहे। ये जो पानी रहेगा वो रखिए, उससे हम लोग आमटी बनाते हैं, वो भी आपको मैं हमारे वीडियो में दिखाऊंगी, दूसरा वीडियो। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ये हमारी दाल अभी एक पैन में ले ली है। इस पैन में हम लोग ये दाल को अच्छी तरह से पकाएंगे गुड़ डालकर, और इसमें ही हम लोग इसको ऑलमोस्ट स्मैश करेंगे ये दाल को। ये देखिए स्मैश करिए आप, ये धीमी आंच पर रख के और आप ये सब करिए। अच्छी तरह स्मैश करिए आप ये दाल को। ये गुड़ डाल दिए हम लोगों ने, अभी ये गुड़ और दाल को हम लोग एक साथ पकाएंगे। ये जब सब प्रोसीजर चल रहा है ना, तभी बहुत बढ़िया ये आता है, फ्रेग्रेंस आता है। गुड़ को मेल्ट कर दीजिए दाल में अच्छी तरह से। देखिए मैं ये जो हम लोगों ने बनाया था जायफल, इलायची और सुन का पाउडर, उसमें हम लोगों ने लवंग भी डाली है थोड़ी, उसको कूट लिया है और फिर इसमें डाल दिया ये मिश्रण में। मस्त हो रही है अपनी दाल। पानी हो जाता है आप पर उससे डरिए नहीं, जब गुड़ और दाल गुड़ मेल्ट होने लगता है तो ये थोड़ा पानी हो जाता है, आप डरिए मत उससे। ये पानी हो गया, अभी हम लोग इसमें एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको बताएंगे वो एक्सपेरिमेंट क्या है। आपका दाल और गुड़ एक अच्छी तरह से मिक्स हुआ है या नहीं, या रेडी, हमारा पूरन रेडी है या नहीं, वो आपको आगे बताते हैं। अब ये जो स्पून लिया है ना, क्या करिए आप, ये स्पून है ना ऐसे हम लोग घुमा रहे हैं इसको, ये ऐसे खड़ा हो गया ना आपके पूरन में, तो आपका पूरन रेडी हो गया है। अभी ये पूरन को हम लोग स्मैश करेंगे एक जाली में। पूरन नहीं है ये एक्चुअली मिश्रण है पूरन, तो अभी ये इसको स्मैश करने के बाद जो नीचे निकलेगा वो पूरन होगा। ये देखो हम लोग ऐसे स्मैश करें, गरम गरम स्मैश करना है इसको।
अच्छी तरह से स्पैश कर लीजिए। ये देखो पूरा हम लोगों का रेडी हो गया, फाइन एकदम। ये जो आटा हम लोगों ने भुना था वो आटा ले लेंगे, वापस थोड़ा भुनेंगे उसको इस तरह से। अभी इसका हम लोग बनाएंगे गोला, देखो इसको ऐसे तेल लगाना है, तेल से ये सब चीज़ें हम लोगों को करनी है। ये पूरन हम लोग इसमें डालेंगे इस तरह से, हम लोग पूरन और ये आटे को घुमाएंगे। इस तरह से आप कर कर देखिए आपकी पूरन पूरी। ये बेलन को भी आप तेल लगाइए और ये पूरन पोली आप ऐसे गोल गोल बेलिए सर्कल फॉर्म में। देखिए कितनी मस्त लग रही है पूरन पोली। अभी इसको हम लोग डालेंगे हमारे पैन पर। हम लोग ये नॉन स्टिक पर बना रहे पूरन पोली। ये देखिए पूरन पोली, हमारी पूरन पोली देखिए कितनी मस्त फूल रही है। हमारी पूरन पोली बहुत ही मस्त और यम्मी हो गई है। अब ज़रूर ट्राई करिए ये, और आपको कोई मुश्किल हो रही है तो आप ज़रूर हमको कमेंट कर कर पूछिए, हम आपको हेल्प करेंगे। हमारी पूरन पोली मस्त हो रही है, रेडी हो रही है, ऑलमोस्ट रेडी टू ईट। यस, और ये हम लोगों ने बनाई है थाली, इसमें आम की बटाटे का भाजी, ये हमारी पूरन पोली। हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों, थैंक यू।